एक रूप भगवान का बताया गया आनंद। आनंद को हम बाहर खोजने की कोशिश करते हैं, यहाँ चले जाएंगे तो बड़ा आनंद आ जाएगा, ये कर लेंगे तो बड़ा आनंद आ जाएगा, यहाँ घूम आएंगे तो बड़ा आनंद आ जाएगा, ये देख लेंगे बड़ा आनंद आ जाएगा, पर वो कुछ देर के आनंद होते हैं। सच्चा आनंद वो है कि जब आपको खुशी रहने, खुश रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, और हमें तो खुशी छोड़िए हर एक भाव के लिए किसी की जरूरत है कि नहीं। हम दुखी होते हैं दूसरों की वजह से, हम खुश होते हैं दूसरों की वजह से, हम गुस्से में आते हैं दूसरे की वजह से, किसी ने दो चार बात सुना दी हमें गुस्सा आ गया, किसी ने कह दिया आज बड़े अच्छे लग रहे हो, थोड़ी तारीफ कर दी हम बड़े खुश हो गए, किसी ने थोड़ी बुराई कर दी आज अच्छे नहीं लग रहे हम दुखी हो गए, यानी खुद का तो कोई दिमाग ही नहीं है कि हम खुद समझ सके हम कैसे लग रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, नहीं, वो बताएगा हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उस हिसाब से हम रिएक्ट करेंगे कि दुखी होना है कि रोना है कि हंसना है कि गुस्सा होना है, यानी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में देकर रखे कि खेलो, तुम जो बटन दबाओगे हम वैसे नाचने लगेंगे, है कि नहीं सच्ची बात, यही करके रखे, कोई और नचा रहा है हमें, कोई कुछ भी कह दे और आप क्रोधित हो जाए, ये कोई जिंदगी है? तो आनंद क्या है? जो व्यक्ति सच में भगवान को समझने की कोशिश करता है, भगवान की भक्ति में जाने की कोशिश करता है ना, उसको फिर बाहर की किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे अच्छा उदाहरण है जो आगे जाके प्रसंग भी आएगा, गोपियों का। गोपी हमेशा कहती थी कि हमारी भावनाएं, हम क्या करते हैं क्या सोचते हैं, या तो हम जानते हैं या तो वो जानता है, और दोनों को ही ठीक लग रहा है, तो बाकियों को ठीक लगे नहीं लगे हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, भगवान ने आपको, आपकी जो आत्मा है ना, ये सबसे बड़ी शक्ति है, ये हर व्यक्ति को समझा देती है कि वो सही कर रहा है कि गलत। एक जो अंदर से आवाज आती है हर किसी को आती है हर काम करते हुए, खास करके जब कुछ गलत कर रहे हो, वो एक अंदर से एक अलग ही डर होता है, आत्मा की आवाज होती है गलत है, पर उस पर दुनिया की आवाजें ऊपर आ जाती है, अरे चलता है आजकल सब करते हैं, अरे क्या फर्क पड़ता है, इतना किसको पता, ये सब संसार की आवाज है, पर जो हल्की सी आवाज होती है गलत है, वो आपके आत्मा की आवाज होती है, उसको सुनो, ये दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, आपको फिर किसी की जरूरत नहीं। हम हमेशा सोचते ना लोग हमें समझाए, कोई भी कितनी देर तक समझाएगा, मैं यहां हूं कितनी देर तक हूं, 7 दिन बस, उसके बाद फिर तो आप ही हैं, आपको ही खुद को समझाना है, खुद की जिंदगी जीना है, तो कोई भी आपके जीवन में कितने समय तक आएगा कुछ समझाने, कुछ दिन कुछ महीने उससे ज्यादा नहीं, बाकी जीना आपको ही है, काम करना आपको ही है, उस शक्ति को पहचानो। हम अपने आप को बड़ा कमजोर समझते हैं, हमसे शक्तिशाली और कोई नहीं है, अगर हम खुद की शक्तियों को पहचानने में आए तो वो कब होगा, जब आप खुद में आनंद लेने लगेंगे। खुद में आनंद व्यक्ति तब लेता है जब वो सिर्फ भगवान से जुड़ा होता है, अपनी भावनाओं को लेकर, अपनी उम्मीदों को लेकर, जब वो दूसरों से भी कि वो मुझे बताए वो मुझे बताए, ये मेरे लिए करे वो मेरे लिए करे, तब वो जिंदगी भर दुखी रहेगा, उसको आनंद फिर हमेशा दूसरों में मिलेगा, पर जो सिर्फ खुद में और भगवान में आनंद ढूंढता है उसको किसी की जरूरत नहीं खुश रहने की, वो अकेला भी खुश है। इस उदाहरण का मतलब वापस ये नहीं कि आप वैराग्य लीजिए जंगल में चले जाइए, पर एक सच्ची बात बताइए, हम इतने चकाचौंध में रहते हैं, ताम झाम में रहते हैं, भागा दौड़ी की जिंदगी चल रही है, घूम रहे हैं फिर रहे हैं, फिर भी हर कुछ समय में हमें कुछ नया चाहिए,
बोर हो गए, बड़ी जल्दी बोर होते हैं। पर वही जंगलों में रहने वाले जो तपस्या कर रहे हैं सालों साल वहीं रहते हैं, वो बोर नहीं होते, वो खुश है। आप उनके बाबू को किसी की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी जाओ तपस, नहीं, उसने अपने अंदर के आनंद को पहचान लिया। आप तपस्या करना या आप यहां रहकर भी कर सकते हैं, गृहस्थ में रहना भी कोई तप से कम नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है जीवन को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, ये भी कोई तप से कम नहीं है। तो पर यहां पर भी अगर आपने भगवान को समझ लिया, कहते हैं कि अगर दुख में भी सुखी रहने लग जाओ तो समझ लेना भक्त बन गए। भक्त ऐसा होता है, वो हर वक्त आनंद में रहता है, उसको कभी कोई दुखी नहीं कर सकता। तो भगवान को अगर समझने की कोशिश करोगे तो जीवन के आनंद को पहचानने का मौका मिलेगा, जीवन के सच को समझने का मौका मिलेगा। तो ऐसी कृपा भगवान करें। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तीन तरह के ताप होते हैं, भगवान की कृपा हो तो भगवान तीनों से हमें मुक्त करते हैं। कृपा कैसे हो? कहते हैं कि भगवान ऐसे सर्वशक्तिमान है, पर एक उनकी भी कमजोरी है कि वो भक्त को रोते हुए नहीं देख सकते। एक बार अगर जीव रोकर भगवान को पुकार ले, सच्चे मन से पुकार ले, वो हर चीज माफ कर देते हैं। और ये मैं नहीं कह रही, वो खुद कहते हैं। भगवान कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, कि वो एक बार मेरे सामने आ जाए बस, कि हे प्रभु मैं आपका हूं, मैंने बहुत गलतियां की हैं, पर आज मैं हर चीज के लिए माफी मांगता हूं, मैं वो कुछ नहीं दोहराऊंगा, पर अब मैं आपका हूं। कि सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, जन्म कोटि अदनाश सहित, यानी वो एक बार मेरे सन्मुख आ जाए, मैं उसके जन्मों जन्मों के करोड़ों पाप वहीं खत्म कर देता हूं, बस वो एक बार मेरे सामने आ जाए सच्चे मन से। इतनी कृपा भगवान करते हैं। तो इस प्रकार भगवान के स्वरूप के बारे में बताया गया। अब चलते हैं शुकदेव जी के अवतार की कथा की ओर। ऐसे तो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग ढंग से बताया गया है, पर दंत कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया, उसमें कई ऋषिगण इत्यादि सभी आते हैं। तो उस सभा में एक प्रश्न उठा देवी देवता ऋषिगण सभी से कि इस 3 लोक 14 भुवन में सबसे कीमती वस्तु क्या है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कीमती जो हर जगह नहीं मिले। तो सब अपना अपना जवाब देने लगे, कोई कहे सोना, कोई कहे चांदी, कोई कहे हीरा। तो वहां ऋषिगण भी बैठे थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये चीजें तो बहुतों के पास मिलेगी, यहां भी होगी, कितनों के पास, सोने की कोई ना कोई वस्तु होगी, कितनों के पास है हाथ उठाना, सब डर रहे हैं, कितना है नहीं पूछेंगे, बस है कि नहीं ये हाथ उठाओ, है इतना भी हुआ तो मतलब है, कईयों के पास है, तो जो कईयों के पास हो वो सबसे कीमती कैसा हुआ, सबसे कीमती तो हर किसी के पास होना नहीं चाहिए। तो ऋषिगण कहते हैं तो बहुतों के पास मिलता है। तो बोले फिर आप बताइए सबसे कीमती क्या है। तो ऋषिगण कहते हैं अगर सबसे कीमती कुछ है तो वो है प्रेम। प्रेम भी कौन सा, निस्वार्थ। हम और आप जो प्रेम करते वो स्वार्थ का है, वो हमारे काम के हिसाब से होता है, जिससे स्वार्थ है उससे प्रेम है,